नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज एक बहुत भयानक हादसा हुआ है हमारे इस रोड पे। ये जो रोड है वो इटारसी बैतूल रोड है और इसमें एक ये पुराना ब्रिज था, लगभग 65 साल पुराना ब्रिज था और आज इसके ऊपर से एक NTPC का जो है अभी भारी भरकम ये ट्रांसफार्मर नहीं होते वो जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं, ये निकला था यहाँ से और इसको बिना परमिशन के निकला, ना किसी से परमिशन ली और ये निकल गया इसके ऊपर से, क्योंकि इस पर क्षमता का तो नहीं था इसकी, क्योंकि इसकी क्षमता लगभग 130 टन थी और इसके ऊपर से निकल गया और ये ब्रिज पूरा ध्वस्त हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ट्रेलर है पूरा अभी भी लटका हुआ है, ये देखिए आप, उसका केबिन वेबिन सारा गिर गया है और पूरा ब्रिज ये टूट गया दोनों तार से। आप देख रहे हैं कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। ये भोपाल नागपुर का जो कनेक्टिविटी रोड था यही एक डायरेक्ट रूट है और इसके बाद फिर अभी सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होकर जा रहा है यहाँ से। तो अभी हमने दोनों साइड में रोड तो ब्लॉक कर दिया है, सामने हमने सेफ्टी रिबन वगैरह लगा के मिट्टी विट्टी डाल के रोड तो हमने ब्लॉक कर दिया है और बाकी ये देखिए आप तस्वीरें देखिए आप। अब क्या ही कहूँ इसके बारे में, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। ये 128 टायर का जो ट्रेलर था ये तीन पोर्शन में था, इतना हैवी जो ये मशीनरी इसके ऊपर से जा रही थी जो NTPC की थी शायद मेरे हिसाब से, और 130 टन इसका वेट था सेल्फ उस आइटम का और ट्रेलर का वेट अलग से, लगभग 150 टन की कैपेसिटी होगी इन दोनों की और ये इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर से निकल गया। ब्रिज की कैपेसिटी इतनी नहीं थी, ये लगभग रहते हैं 80 टन 70 टन के हिसाब से और ये ज़बरदस्ती में इसके ऊपर से निकलने के कारण ये हादसा हुआ है। देखिए अभी यहाँ पर ना ट्रेलर ड्राइवर है ना इनकी कोई टीम है, सब लोग गायब हैं यहाँ से। हाँ अच्छी बात ये रही ना, इसमें किसी का घायल नहीं हुआ कोई, ना ड्राइवर वगैरह सब सेफ हैं, किसी को ज़्यादा चोट नहीं हुई, पर सब लोग यहाँ से भाग गए, मौके से सब लोग फरार हैं। वो इसी के लिए दोस्तों हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, देखो आप लाइन मार्किंग वगैरह हो रहा है। दोस्तों ये जो ब्रिज है ये जो आप देख रहे हैं और ये देखिए आप, ये यहाँ से पूरा इसका ट्रेलर जो पीछे वाला हिस्सा रहता है ये पूरा लटका हुआ है, तो बीच में ये लोहे का गडर वाला ब्रिज था और ये पूरा गिर गया इसका, इसका वेट ही इतना था संभल नहीं पाया ये। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, और ये जो ट्रेलर है ना दोस्तों ये तीन पार्टीशन में है ये, और इसका जो ट्रेलर के जो टायर हैं लगभग 128 टायर हैं इसके अंदर, और ये जो ब्रिज का जो मलबा है स्टील गडर थे, ये स्टील गडर टाइप में बना हुआ था, पूरा स्लैब सही थी ऊपर से टूट के नीचे आ गया, बहुत ही भयानक हादसा हुआ दोस्तों। और इस हादसे के कारण यहाँ से भोपाल नागपुर रूट है वो पूरा बंद हो गया अभी। इसके ऊपर जो चीज़ लोड थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा लटका हुआ अभी भी है और पूरा मलबा इनका। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना ये NTPC का ये कुछ ट्रांसफार्मर है, ये कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ये निकलते रहते हैं यहाँ से और इसका जो वेट है लगभग है ये 130 टन का है, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है ये NTPC का और इसका वजन लगभग 130 टन के आसपास है, ये देखिए। वैसे इस टाइप की कुछ हैवी मशीनरी है, हैवी वेट जो ट्रेलर निकलते हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है आपको, थाने से भी लेनी पड़ती है, ज़िले से भी लेनी पड़ती है आपको, NHAI से भी लेनी पड़ती है, बस इसकी कोई परमिशन नहीं थी और ये अपनी मर्ज़ी से निकला और इसका खामियाजा यहाँ आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके कारण ये ब्रिज हुआ पूरा गिर गया, धराशायी हो गया और आपका भोपाल और नागपुर जो रूट है वो पूरा हो गया इस टाइम पर बंद। और मैं आगे दिखा देता हूँ इसका जो ट्रेलर है, वो केबिन दिखा देता हूँ इसका, जो ट्रेलर का जो केबिन है ये देखिए, ये इसका केबिन है, ये वोल्वो का FM12 है, ₹520 मॉडल है ये, 12 चक्के में आता है ये, और नहीं 10 चक्के सॉरी। और जो इसके जो टोटल टायरों की बात की जाए ना तो 128 टायर तो इसके पीछे ट्रेलर में थे और 12 ये लगभग 138 टायर का था, ये वेट लगभग 130 टन बता रहे हैं, इसका सेल्फ वेट है केवल ये आइटम का और ट्रेलर का वेट इसके अलावा लगभग ये होगा मेरे हिसाब से 150 टन के आसपास होगा ये टोटल।
इससे छोटी सी गलती के कारण, ज़बरदस्ती के कारण आज यहाँ लगभग भोपाल से नागपुर का जो पूरा रूट है पूरा बंद हो गया। अभी टेम्प्रेरी डाइवर्शन दोस्तों हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, उसमें टाइम लगेगा। टेम्प्रेरी डाइवर्शन बनाने लगभग हमें 24 घंटे या 48 घंटे तो लगने।